दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सफर पर है विवेक यादव, इन्होंने जो विवेक कुमार है, इन्होंने कमेंट में पूछा है, सर जी एक्चुअली क्या हो गया, उन्होंने मेरा एक टेस्ट का एक वीडियो देखा जो एड बनाते लाइसेंस के लिए RTO टेस्ट का, वो एक नंबर बनाने का जो वीडियो है तो इन्होंने देखा है। तो दोस्तों, ये देखने के बाद उन्होंने पूछा है, अगर एड का जो टेस्ट देते उस समय अगर हम लोग क्लच को ओपन करें फुल करें तो फुल करना है या नहीं करना है, कैसे करें, ऐसे इन्होंने कहा है। तो दोस्तों, कहने की बात है, आप बिगिनर है, आपको टेस्ट देना है एड घुमाने का। जैसे मैं इसके ऊपर मेरा 4 वीडियोस है, वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन आपने कमेंट में पूछा है तो आपको मोटिवेट करने के लिए मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो क्लच ऑपरेटर इम्पोर्टेंट फैक्टर है बाइक चलाते समय, अगर क्लच का थोड़ा भी मामूली भी कुछ गड़बड़ हो गया तो आपकी बाइक का इंजन बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। इसके लिए क्लच ऑपरेटर, अभी आपने पूछा है, आपको बाइक चंद चलाने आता होगा, लेकिन जो आपने पूछा है कमेंट में पूछा है, जो एड बनाते ड्राइविंग टेस्ट के लिए लाइसेंस के लिए एड बनाते, इसके लिए क्लच को ओपन करना है या कैसे करना है, हाफ करना है या कैसे करना है, तो दोस्तों इसके लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको अगर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो आप करोगे। मेरा वीडियो आपने देखना चाहिए, जैसे टेस्ट के यहाँ पर जाते समय आपका कहीं पे जोन है, आपका जोन होगा वहाँ पे, कहीं तो RTO का जोन में आपका एड बनाने लगा रहता है ना, वहाँ पे पहले 4-5 दिन पहले जाके आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब टेस्ट चालू नहीं रहता उस समय जाके पहले पैदल जाके देख के आओ कितना किलोमीटर है, कितना क्या है, उसका लेंथ क्या है, ब्रॉडनेस क्या है, सर्कल कैसा है, क्योंकि कम ज़्यादा थोड़ा बहुत होता है। जैसे इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया लेंथ के बारे में, उसको भी आपको देखना है। लेकिन सबसे पहली बात, सब जगह का जो जोन होता है उसमें थोड़ा सा मामूली फर्क होता है, कोई कोई जगह पे डबल एट होता है, कभी कभी डेढ़ एट होता है, तो इसके अनुसार आपके जोन में कौन से प्रकार का एड बना है इसको आपको देखना पड़ेगा। और पैदल जाके वहाँ पे पहला घूम के आ जाओ, एड बनाते समय कितना रास्ता है, कैसा है, क्या, बाद में आप प्रैक्टिस करें। जब वहाँ पे कुछ टेस्ट नहीं रहेगा, खाली जगह रहेगा, तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, घूमने का प्रैक्टिस। और एक बात, आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, कोई भी जगह पे आप थोड़ा इस तरफ ऐसा राउंड करने की कोशिश करो, बाद में उल्टा राउंड करने की कोशिश करो। अगर दोनों तरफ आप राउंड करने की कोशिश करते तो आपको बाइक का टर्न आसानी से आप कर सकते। अभी आपके कमेंट के पास आते, आपने कमेंट में कहा है क्लच कैसे रखे, तो दोस्तों आपको ज़्यादा करके हाफ क्लच का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाफ क्लच रखते तो आपका इंजन बंद नहीं होगा, आपका इंजन अगर बंद हो जाएगा, बाइक बंद हो जाएगा, तो आपको फेल किया जाएगा। ये भी मतलब आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा, इंडिकेटर देने की जरूरत नहीं, हाथ दिखाने की जरूरत नहीं, एड बनाते समय की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा, एड बना जो क्लच है उसको हाफ क्लच रखने की प्रैक्टिस करो। आपने कमेंट में पूछा फुल क्लच करना है क्या, यानी फुल छोड़ना है क्या, नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप अगर बाई चांस सिचुएशन के अनुसार पीछे का रियर अगर ब्रेकिंग करते पीछे के व्हील का, तो आपका बाइक का इंजन बंद हो जाएगा, आपने अगर फुल क्लच छोड़ा तो। क्यों, क्योंकि आप बिगिनर है, आपको इतना पता नहीं है, अगर आपका ब्रेकिंग बैठेगा तो पीछे का व्हील ब्लॉक हो जाएगा, बाइक बंद हो सकती है, आप गिर भी सकते हैं, एक्सीडेंट भी होगा, आपको फेल किया जाएगा। तो फुल क्लच ना रखे, सिचुएशन के अनुसार ब्रेकिंग करें, लेकिन आहिस्ता पहला या सेकंड गियर में बाइक का प्रैक्टिस करो, टर्न करते समय हाफ क्लच का प्रैक्टिस करो, आप फेल नहीं होगे। मेरे अलग अलग वीडियो टाइप करो, ये वीडियो देखने के बाद ऑटोमेटिकली लाइन से मेरा वीडियो आते रहेगा, 4-5 वीडियो यही टॉपिक पे के ऊपर, तो आपको उसको देखना है और प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं समझाने की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेन बात है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो थियरी होता है ये आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस आप ज़्यादा करते तो ही आप सफल हो जाएगा। इफ़ यू टेक इंटरेस्ट इन एनी टाइप ऑफ फील्ड देन यू विल बी अदर पास, अदरवाइज यू विल बी फेल। ये मुहावरे के अनुसार आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेरे वीडियो देखे प्रैक्टिस करें, मेरा आशीर्वाद है आप पास हो जाएंगे, कोशिश करें। लेकिन आपको 4-5 बार पहले खुद जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डायरेक्टली टेस्ट नहीं देना। इम्पोर्टेंट बात याद रखो, डायरेक्टली टेस्ट नहीं देना, पहले 4-5 बार जाके वहाँ पे प्रैक्टिस करो। जब टेस्ट नहीं चालू रहती वहाँ पर वही जोन के ऊपर, आपके जोन में कहाँ पर वो एड बना ले रहा है, वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करो, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप आराम से पास हो जाएंगे। जब आप प्रैक्टिस के दिन, यानी जब आपको टेस्ट देने के दिन अगर आप जाते तो आराम से पास हो जाओगे। दोस्तों, इस प्रकार की छोटी बात बहुत से जन पूछते नहीं है, ये पूछना चाहिए, कमेंट करना चाहिए। लेकिन एक बात, आपको कमेंट डिटेल से करना है, जो भी मेरा वीडियो देखते कमेंट रहता है डिटेल में करे, ताकि मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। कोई कोई एक लाइन में कमेंट करके तो पता नहीं चलता, तो मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ा मजबूरी, कुछ ना कुछ थोड़ा सा कहना पड़ता है।
तो दोस्तों इस प्रकार की छोटी बात बड़े काम की बात मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से हमेशा लेके आते रहता हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद, वंदे मातरम।